हेलो गाइस, दैट्स ओवर जेके एंड आप देख रहे हो द कॉमन सेंस। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि मैं एक मदरबोर्ड लाया था जो है H61। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो, कितने रुपए का क्या है, टैक्स एंड वॉइस है ना। तो इसके बाद आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। इससे पहले तो अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के लिए हमेशा मैं पेन का ही यूज़ करता हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर इसे भी पेन से ही अनबॉक्सिंग करते हैं, बट ये यहाँ से खोल नहीं रहा है। तो यहाँ से फिर से ट्राई है ना। तो ये एक H61 मदरबोर्ड है, बजट रेंज का मदरबोर्ड आप बोल सकते हो इसे। और ये एक्चुअली में चाइनीज़ मदरबोर्ड है, ठीक है। और ये भी फाड़ दिया। पेन से अनबॉक्सिंग करना काफ़ी इजी है एंड काफ़ी सिक्योर है, क्योंकि ये मतलब छोटा ही निप होता है, तो ये अंदर की ओर जाता नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो, अनबॉक्सिंग हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही टाइट है, तो इसे फाड़ देते हैं। ये निकल गया हमारा जैप H61। ये जो जबरंग की तरफ से आता है, यहाँ पर ऋतिक रोशन आप देख सकते हो। और इसमें LGA1155 सॉकेट लगता है, यानी कि जो प्रोसेसर का जो सॉकेट है वो है LGA1155, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। या इस तरफ से आप देख सकते हो, यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया गया है, कहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है। 6/2022 का ये मैन्युफैक्चर्ड है। और यहाँ पर प्राइस भी लिखा हुआ है 4,999 रुपीज़। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लग जाएगा, क्या क्या आपको मिल जाएगा, सारी इसका जितने भी फीचर्स है, जितने भी चीज़ें हैं इसमें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि सॉकेट है 1155 इंटेल पेंटियम सेलेरॉन सीरीज प्रोसेसर, i7 i5 i3 सीरीज GPU वगैरह लगा सकते हो। आप तो आप थर्ड जन लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर DDR3 का डुअल चैनल वाला रैम लगता है, जो 16 GB तक आप लगा सकते हो, यानी कि 8 GB की एक स्टिक और दूसरा भी 8 GB का आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट्स 12 चैनल DDR3 1066 1333 1600 MHz का मेमोरी आप यहाँ पर लगा सकते हो। एक HDMI पोर्ट मिलता है, एक VGA पोर्ट मिलता है, 6 आपको USB 2.0 का पोर्ट मिलता है, एक आपको RJ45 यानी कि जो LAN कनेक्टर होता है इंटरनेट के लिए वो लग जाता है, ठीक है। और एक आपको 3 पिन वाला जो ऑडियो होता है, जो पिंक ग्रीन एंड दूसरा जो होता है वो वाला एक है। और इसमें आपको 24 पिन आपको ATX मिलता है पावर कनेक्टर, 1 4 पिन वाला जो ATX जो CPU के लिए होता है 12 वोल्ट वाला। तो ये सब मैंने दूसरा वीडियो में बताया है, पावर सप्लाई कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये वीडियो में सिर्फ इस मदरबोर्ड के बारे में बताएंगे, इसमें कैसे लगाना है वो मैं पहले ही बना चुका हूँ। वो वीडियो आपको अगर देखना है तो आप वहाँ पर देख सकते हो जाके डिस्क्रिप्शन पर। यहाँ पर फ्रंट ऑडियो कनेक्टर आपको मिल जाता है, आपको फ्रंट पैनल कनेक्टर, यहाँ पर देखो स्पीकर कनेक्टर। ये जो स्पीकर है और ऑडियो है दोनों मतलब दूसरा चीज़ें है, ठीक है। यहाँ पर फ्रंट में जो मतलब कैबिनेट है उसमें जो ऑडियो कनेक्टर होता है, जैसे कि हेडफोन वगैरह, वो सब वहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आपको ये मिल जाए, ठीक है। और HD 6 चैनल वाला HD ऑडियो कोडेक आपको ऑनबोर्ड में मिलता है, 4 SATA पोर्ट मिलता है ना। और सीमलेस हेडर भी मिलता है 3 पिन वाला, है ना। और यहाँ पर PCI एक्सप्रेस वाला एक स्लॉट मिलता है, और एक मिलता है आपको PCI Generation 1, ठीक है। तो यहाँ पर H61 चिप चैट है, और इसे हम अभी ओपन कर देते हैं। उस ओपन करने के बाद आपको बाकी इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे ओपन करने के साथ साथ ही यहाँ पर हमें एक सिक्योरिटी के लिए, यहाँ पर मतलब सिक्योर रहे ये चीज़ें, उसके लिए कार्टून मतलब एक पन्नी मोटा सा, ये तो मिनिमम तो कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट तो ज़रूर करेगा, यहाँ पर देख सकते हो ऐसा, ठीक है। इसके बाद हमें मिल जाता है एक ड्राइवर सीरी। इससे क्या होता है कि जो बायोस होता है मदरबोर्ड में, वो अगर आपके यहाँ पर अपडेटेड नहीं है तो इसमें से आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसके लिए दिया जाता है, अगर आप बायोस चेंज भी कर रहे हो तो ये वाला मतलब ड्राइवर आपको उस पर इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर यूज़र मैनुअल दिया गया है। यूज़र मैनुअल हमेशा आपको मदरबोर्ड के साथ मिलता है, और इसे आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप डेली रोज़ एक ही मदरबोर्ड का बहुत सारे PC बिल्ड करते हो तो वो आपको नहीं चाहिए, बट अगर आप बहुत दिनों में एक करते हो या फिर पहले पहले कर रहे हो तो आपको यूज़र मैनुअल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट पैनल कनेक्ट करने में या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाते हैं जो आपको पता नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है,
कहाँ पर कौन सा चीज़ें है, ठीक है। यहाँ पर देखो फ्रंट पैनल का कुछ कुछ कनेक्शन यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर सीपीयू फैंस कहाँ पर लगाना है, कौन सा चीज़ कहाँ पर लगाना है, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर देखो इस तरफ भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखा गया है। फ्रंट ऑडियो कैसे कनेक्ट करना है, फ्रंट का जो यूज़ भी होता है उसको कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। मदरबोर्ड में तो 6 यूज़ भी मिलता है, उसके साथ साथ फ्रंट में जो कैबिनेट में यूज़ भी होता है वो भी कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सारे पिन का यहाँ पर वो दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पर भी नंबर वाइज यहाँ पर चार्ट बना दिया गया है कैसे कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और ये जो है ये है ये जेब्रोनिक्स का, मतलब ये डूस और डोंट ये आपको मिलता है, ठीक है। आपको मदरबोर्ड में क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमें मिलता है ये आयो शील्ड, यानी कि जो बैक साइड में लगता है कैबिनेट के, ये तो साथ में नहीं आएगा ना, तो ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा करके आपको मिल जाता है, ठीक है। जो स्टील कलर में होता है, हाँ बुरा लगता है यार, ब्लैक कलर में देना चाहिए था। तो इसके साथ यहाँ पर देखो एक सेटर केबल, एक्चुअली में सेटर केबल बोला जाता है इसे डेटा ट्रांसफर का, ठीक है। ये मतलब आपका जो डेटा ट्रांसफर होता है या घुसते हैं या बाहर जाते हैं आपके हार्ड ड्राइव से, SSD हो HDD हो, डजंट मैटर। और इसके बाद यहाँ पर हमें मिलता है ये वाला मदरबोर्ड, मेन मदरबोर्ड, ठीक है, जिसे हम बाहर निकलते हैं। इसके साथ साथ एक ये लाल वाला एक वो भी मिलता है, जिसे क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो, ये जो चीज़ है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको प्रॉपर मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हो ये है फ्रंट पैनल, इसकी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्थ ब्रिज भी है, यहाँ पर जितने भी साटा वगैरह है वो यहाँ पर आपको दिया गया है, है ना। उसके साथ साथ यहाँ पर फैन का भी वो है यहाँ पर, बाकी यहाँ पर चार साटा मिलते हैं, साटा 1, 2, साटा 4, है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर स्क्रू का ऑप्शन आप देख पा रहे हो, स्क्रू एक्चुअली में आपको उसके साथ मिलता है, कैबिनेट के साथ ही मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोसेसर का जो LGA1155 जो स्लॉट है वो यहाँ पर आपको दिख जाता है। इसके ऊपर एक रिमूव का जो ऑप्शन लिखा हुआ है, ये एक है प्लास्टिक का टुकड़ा, इसे आपको निकाल देना चाहिए, ठीक है। ये है रैम, ये है 24 पिन ATX, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 पिन वाला कहा गया, 4 पिन वाला ऊपर है देख सकते हो आप। इसके साथ साथ यहाँ पर देखो आप बहुत सारी चीज़ें हैं, ये है आपका PCIe जो 16, ये है Gen 1 जो छोटा वाला है, जो बड़ा वाला है वो है Gen 3 मतलब 16 पिन वाला, ठीक है। तो ये आपको मिल जाता है, इसमें आप ग्राफिक कार्ड वगैरह लगा सकते हो या फिर वीडियो कार्ड, ग्राफिक कार्ड ये सब आप लगा सकते हो। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें भी आते हैं, जैसे कि बहुत सारे कार्ड आते हैं। इस सेट पे आपको कनेक्टर दिखाओ तो यहाँ पर ऑडियो लैन, यहाँ पर USB और VGA, HDMI ये सब आपको मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरफ से आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर CMOS बैटरी है, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये है रैम स्लॉट्स, है ना। तो रैम के साथ साथ पीछे के साइड में ऐसा दिखता है कुछ, यहाँ पर आप देख सकते हो कनेक्शन कैसे किया हुआ है। आप अगर बैक साइड से कुछ फैन वगैरह लगाना चाहते हो, अगर वैसा आपका वो है मतलब CPU कैबिनेट है तो उसमें भी आप लगा सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मदरबोर्ड की क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, और ये आपको लगा के रखना चाहिए जब तक मतलब आप लगा नहीं देते, ठीक है, तब तक आप इसे इजीली लगा सकते हो। इसे अब मैं आपको खोल करके दिखा देता हूँ LGA1155 कैसा होता है, 1155। ये जो प्लास्टिक का वो है ये निकल जाता है आसानी से, ये देखो निकल चुका है बिल्कुल, है ना। तो इसके नीचे देखो बहुत सारे पिंस है, इन सबको काफ़ी ध्यान देना है, ध्यान ऐसे लगा रहता है। ये एक्चुअली में प्रोसेसर लगाने के बाद आप प्रेस करोगे जोर से तो भी ये टूट करके निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये काफ़ी मतलब छोटे छोटे पिंस है इसमें, और इसे मतलब बचाने के लिए ये दिया हुआ होता है, और ये नॉर्मली ऐसे लग जाएगा प्रोसेसर लगाने की बात। खैर मैं वो तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही, जब मैं लगाऊंगा, है ना, तो तब आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। और ये जो चीज़ें हैं ये मैं फिर से इसमें लगा देता हूँ, क्योंकि पिन टूट ना जाए, है ना, वो भी बात है। तो इसे ऐसे ही दैट्स इट, तो ये मैंने लगा दिया। यहाँ पर आपको फ्रंट, यहाँ पर फिर से आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर पोर्ट्स एंड क्या क्या था, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑडियो, ये जो आपको दिख रहे हैं पिंक, ग्रीन एंड ब्लू, तो ये है ऑडियो का, ठीक है, ऑडियो के ऑडियो माइक ये सब, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है लाइन इन लाइन आउट, यानी कि जो स्पीकर, और ये होता है ब्लू वाला होता है माइक्रोफोन का, ठीक है, ग्रीन वाला होता है आपका स्पीकर का,
यानी कि हेडफोन वगैरह भी इसमें आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो। इसमें आप माइक्रोफोन डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। यह है RJ45, यह है USB 2.0, यहाँ पर 3.0 तो मिलता ही नहीं है। ये जो USB 2.0 है ये आपको 6 मिल जाता है। यहाँ पर यह है VGA, ठीक है, VGA ये ब्लू में होता है कभी कभार। यह है HDMI, जिससे मतलब आजकल के जितने भी नए मॉनिटर आ रहे हैं उसमें होता है, ठीक है। और आगे वाला भी USB 2.0 ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो दो आपको रैम स्लॉट्स मिलता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, 8 GB की 2 स्टिक आप लगा सकते हो इसमें आसानी से, जो आपके लिए काफ़ी मदद करेगा और डुअल चैनल बन जाएगा, ठीक है। तो 16 GB यह है आपका जो वो है PCI जो मतलब Gen 1 है। यहाँ पर आप देख सकते हो, बाकी तो यहाँ पर बताने की क्या ज़रूरत है। इसके ऊपर आपका फ़ैन लग जाएगा, CPU कूलिंग फ़ैन, उसके लिए कनेक्टर साइड में दिया गया है, तो वो भी ढूंढ के आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी कुछ यहाँ पर दिया गया है, इतना सा मदरबोर्ड में। मतलब ये देखो यहाँ पर फ़ैन वगैरह, मेरे उंगली के साइड में आप देख सकते हो फ़ैन वगैरह का कनेक्टर है। यहाँ पर ये देखो इस साइड में रैम के नीचे ही मतलब BIOS भी दिया गया है ना। तो BIOS को आप रीसेट करना चाहो तो यहाँ से आप सीधा कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर फ्रंट पैनल का जो मतलब रंग बिरंगी जो चीज़ें है वो है फ्रंट पैनल का कनेक्टर। ये आपको काफ़ी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इसमें आपको पावर स्विच रीसेट ये सब नहीं लिखा, ये आपको लिखा हुआ है यूज़र मैनुअल पे। तो यूज़र मैनुअल आपको फेक नहीं देना है, ठीक है, तो आपको देख करके उसके बाद लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 आपको साटा पोर्ट मिलता है, जिस पर आप क्या कर सकते हो SSD या HDD आप लगा सकते हो। तो साटा जो SSD होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कल या परसों की वीडियो में, है ना। तो उसके लिए आप टेंशन ना लो, ठीक है, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। यह है 24 पिन ATX कनेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो बाकी सारी चीज़ें, जो यहाँ पर रैम है वो भी आप कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो की तरफ। यहाँ पर जितने भी स्क्रू देख रहे हो फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो एक फ़ैन है, ठीक है, यहाँ पर मैं फोकस कर लेता हूँ, फोकस करने के बाद आपको दिखा देता हूँ। ये जो चीज़ है ये है फ़ैन, सिस्टम फ़ैन। यहाँ पर आपको CPU फ़ैन मिल जाएगा, ठीक है। CPU फ़ैन जो है वो मतलब प्रोसेसर के ऊपर रहता है, और जो सिस्टम फ़ैन है वो कैबिनेट में लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जंपर वगैरह, सॉकेट वगैरह, सारी चीज़ यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको समझने में मुश्किल होगा, ठीक है। यूज़र मैनुअल पढ़ोगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर, ये जो PCIe 16 है, 16 वाला है वो उसका लॉक है, ये वाइट वाला, ठीक है। बाकी कीबोर्ड का जो क्वालिटी है वो काफ़ी ऑसम है। अगर आप ऐसा ही अगर आप ऐसा मतलब जो इंडियन टेक्नोलॉजी पे बनता है ना, वैसा अगर आप कीबोर्ड लेने मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं मदरबोर्ड लेने जाओगे तो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा। तो दैट्स इट, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में PC बिल्डिंग के कुछ चीज़ें लेकर, ठीक है, थैंक यू।